नमस्कार, अभी अभी दिन के 41:46 हुए हैं। मैं जीरालाल बिहारी सब पर भारी की जानिब से आप देश और दुनिया की 10-4 यानी 6 बड़ी खबरें सुनेंगे। कोलकाता में दिन के 70 बजे 700 ग्राम का एक टमाटर उस वक्त ब्लास्ट हुआ जब एक निजी हॉस्पिटल में 100 बेड से भरे मरीजों का कोरोना से इलाज चल रहा था। ब्लास्ट के कारण पूरी अस्पताल में भगदड़ मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि सभी मरीज स्वस्थ हो गए। चीनियों के गोदाम में 2.5 लाख चींटी ने अचानक हमला बोला। चीनी गोदाम के मालिक फौरन चीन के राष्ट्रपति को फोन लगाकर मदद की गुहार मांगी। आनन फानन में 500 चीनी फौज ने मोर्चा संभाला और अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर 50,000 चींटी की मौत हो गई, 1 लाख चींटी घायल हो गए और 1 लाख चींटियों को नसबंदी कराकर छोड़ दिया गया। भारत सरकार ने भी चीनी फौज को नसबंदी कराकर चीन को सौंप दिया है। यूपी चुनाव, अखिलेश को चाचा शिवपाल का सहारा चाहिए, योगी जी को भी मौका तीसरी बार चाहिए। माया बहन की छाया जनता पर अब भी बरकरार है। क्या करेंगे केजरीवाल, जनता को इंतजार है। ओबीसी बन सकता है योगी जी का पतवार। चुनाव से पहले हर नेता अपना अपना चुनावी भाषण का रियाज कर रहा है। इन दिनों खटमल सिंह जो यूपी विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी होंगे, जब मैंने इनसे इंटरव्यू लिया तो ये थे उनके भाषण के प्रमुख अंश। खटमल सिंह मेरा नाम है, खून चूसना मेरा काम है। मैं वोट के बदले नोट दूंगा, फ्री में नहीं लूंगा। मैं कुछ भी करता हूं कोई नहीं बोलता, मेरे खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलता, क्योंकि लखनऊ में जो विधानसभा है वह मेरा मुर्गी खाना है। मैं मंत्री जी की कुर्सी में बैठकर रोज सोने की अंडा देता हूं, तभी तो मुझे गर्व है। मैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक नेता हूं। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की वजह से नदी में रह रही सारी मछलियां पेड़ पर चढ़ गई और मछलियों के मुख्यमंत्री ने राहत कार्य के लिए रजाई और कंबल भी बांटे। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के मुताबिक जबरदस्ती प्यार करने वालों पर जूते की बारिश और प्यार करके छोड़ देने वालों पर चप्पलों के हल्के फुल्के छींटे पड़ने वाले हैं। और आज के 4 महानगरों का तापमान इस प्रकार है। दिल्ली दिल छू रहा है और कोलकाता नीचे से धुआं फेंक रहा है। मुंबई अधिकतम 3 झोला सेल्सियस और न्यूनतम 3 बोरी सेल्सियस। विशाखापत्तनम का अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। नमस्कार, समाचार समाप्त हुए।